Hello friends, welcome back to another video on my channel Selma Styles. Somebody is there. Hello. आओ पानी ला रही हूँ. और रास्ता कैसे भूल गए आज? वेलकम बैक. और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:45 एंड सुनील बाबू इज हियर जो अभी बिजी है एंड भरत इज ऑन हिज कॉल. तो चलिए फिर हम तैयारी करते हैं. 10 टाइम्स हो गया उसका 20% पर 20 में कुछ था ऐसे ही और 40 में कुछ था कि अपना 40%. आज है नेक्स्ट डे. सुनील है और मैंने ये 1 kg ग्रीन चिक्स से चिकन मंगाया जो 320 रुपीज़ kg मिला है. तो शाम की तैयारी है. हम लोगों ने लंच कर लिया और लंच के बर्तन भी सब धुल गए. तो मैंने सोचा कि इसको मैरिनेट करके रखते हैं. यहाँ पर इसके मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट. ये कैच का है. हर्ष अपना फ्रिज खाली कर रहा था बिकॉज ही इज़ गोइंग आउट, तो वो लेके आया था. और ये थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी. इसके साथ मैं लूँगी 1 नींबू का रस भी. तो बस इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ. हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और अब इसमें मैं चिकन के पीसेस ऐड कर दूँगी. थोड़े बड़े थे पीसेस तो मेरे से जितने छोटे हो पाए मैंने कर लिए. इट्स 1 kg चिकन. अगर ज़्यादा भी होगा तो हम दो दूसरे दिन भी चला लेंगे. बस मैं सबको मिक्स करूँगी. ज़्यादा हल्दी वल्दी नहीं डालूँगी जितना मैंने डाला है. बस मुझे थोड़ा सा मैरिनेशन और कलर के लिए हल्दी चाहिए. और इसको ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर दूंगी. शाम को बनाऊंगी अराउंड 7 o'clock. और ये रहा नींबू. नींबू का रस आधा ही रस डालती हूँ. आधे रस में हो जाएगा. मेरे ख्याल से ये हो गया. अब इसको फ्रिज में ऐसे ही रख दूंगी. और अभी टाइम क्या हो रहा है? 3:34. सुनील है कैमरे के पीछे पर बोल नहीं रहा. इस बीच कैमरा शायद. तो 3 घंटे तो मिनिमम इसको मैरिनेशन में रख देती हूँ. अब आपको मिलूंगी बाद में. अभी मुझे घर में कुछ अभी लगाना है, सब कुछ रेस्ट भी करना है और फिर उसके बाद चिकन बनाना शुरू करूँगी तो बताऊँगी. अभी बज रहे 7:30 और अभी ऑलमोस्ट भरत की कॉल तो 10:30 तक है. तो मैं अभी चिकन बनाना शुरू करूँगी एंड होपफुली जल्दी बन जाना चाहिए. बहुत ही डल डे बिकॉज ही इज़ बिजी. सुनील भी बेचारा बोर हो गया क्योंकि उसका वो कॉल चले जा रहा है इसीलिए. एंड अभी बनाना शुरू करती हूँ मैं चिकन. तैयारी तो हो गई है. सुनील गया है टमाटर लाने के लिए. प्याज हो गया है. यही कुकर में तेल गरम हो गया और यहाँ पर खड़े गरम मसाले, तेजपत्ता, लौंग, बड़ी इलायची और सिनेमन, दालचीनी, 2-4 ब्लैक पेपर भी मिला. सबसे पहले ये गरम मसाला मैंने प्याज डाल दिया. प्याज थोड़ा सा भून चुका है तो इसमें मैं घर का पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ. उस टाइम पे तो मैंने बाज़ार वाला ऐड किया था. बहुत
ही अच्छे तरीके से अब भुना चुका है, तो मैं इसमें वो मैरिनेटेड चिकन डाल दी। चिकन जो ऑलमोस्ट 4 घंटे मैरिनेट हो गया है, तो अब मैं इसको ऐड कर दूँ। चिकन मिक्स कर दिया है और बस इसको पकने देती हूँ। चिकन मसाला डाल दिया था और ये इसका अभी कलर आ रहा है, चिकन का कलर। अब बस पानी गर्म कर रही हूँ ताकि इसमें डाल सकूँ। मैंने ना गर्म पानी डाल दिया था पर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है करी, चिकन करी। देखिए चिकन एकदम रेडी है, फिर राइस रेडी है, लास्ट में धनिया पत्ता डाल दूँगे बिफोर सर्विंग, और ये हमारा सलाद। जस्ट वेटिंग फॉर भरत कि उसकी कॉल ख़त्म हो और फिर हम लोग खाना खाएं, पर वो 10:30 बजे तक कॉल। एक्चुअली हम लोग रात में इतना ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, बट सुनील आया है सोचा कि कर लेते हैं इसीलिए। से आ गए, हम लोग बाहर गए थे और आने के बाद हम दोनों ने मिलके घर का काम किया। भरत हेल्प मी वॉश किचन के बर्तन और मैंने झाड़ू पोछा, पौधों में पानी ख़त्म कर लिया, अभी रेस्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच, एंड लेट्स सी कौन जीतता है। वी आर चीयरिंग फॉर भारत। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:40 और खाना बना रही हूँ, चावल दाल और आलू का चोखा डिनर के लिए। सूप भी बना सकती थी बट उन्होंने बोला कि चावल दाल चोखा खाएंगे, तो वही बना रही हूँ। यहाँ पे तैयारी हो गई है, इसमें थोड़ी सी चाय अपने लिए, चावल दाल भिगा दी है, चोखे की तैयारी। चावल दाल रेडी हो गया, रेडी है बनाया। अभी ऑलमोस्ट सब रेडी हो गया खाना, जैसे मैंने बताया टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, ये लोग अभी तक बातें कर रहे हैं एंड आई डोंट नो हम कब खाना खाएंगे। तो ये वीडियो मैं अभी इसीलिए ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये आज ही अपलोड करना है, कल का व्लॉग जो होगा वो कल ही करूँगी और अपलोड करूँगी, तो इसीलिए वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सलमा स्टाइल्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल सलमा स्टाइल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।